रोज न्यूज का तुरंत इम्तियाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रोज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर शाह हकायक के मनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि राणा शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि राणा शमीम को ओहदे में तोसी नहीं दी थी। राणा शमीम का बयान साजिश लगता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि साजिश रातों रात तैयार नहीं हुई, साजिश चंद दिनों तक बेनकाब हो जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपना वक्फ सिर्फ रोज न्यूज को दिया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम। साकिब निसार भी मैदान में आ गए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा, मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मनाफी है। राणा शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो मैंने मंजूर नहीं की। रोज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साकिब निसार ने कहा कि राणा शमीम का बयान साजिश लगता है, मेरे खिलाफ ये साजिश रातों रात तैयार नहीं हुई, चंद दिनों तक ये साजिश बेनकाब हो जाएगी। ताजिर की फोन पे उस पे इसने मेरे से गिला किया जी कि मेरी एक्सटेंशन पेंडिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न जो अफेयर एक्सटेंशन की थी। तो आपकी इन ऑब्जर्वेशन से वो मेरी एक्सटेंशन जो है वो जी उन्होंने उड़ा के रख दी और मेरे लिए मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जी। हालांकि मैंने आपकी बड़ी मेहमान नवाजी की थी जब आप आए थे। मैंने कहा भाई मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है ना, मेरे अख्तियार में आपको एक्सटेंशन देना था ना आपको रिफ्यूज कर दी थी। मेरे पास तो कभी आपका केस एक्सटेंशन का आ ही नहीं है। एप्लीकेशन अगर मैंने दी है तो आपके ऑर्डर के गलतियां जो होंगी वो पॉइंट आउट की। फिर आप वजह एकदम में एक रात को ये सारा कुछ नहीं हो सकता, ये प्लानिंग हुई है और उसकी वजह आ गया वो कुछ दिन में पता चल जाए। दूसरी जाने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार झूठ बोल रहे हैं। उन्हें कभी अपनी एक्सटेंशन का नहीं कहा और न ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका अख्तियार रखते हैं। जो कहा उस पर कायम हूँ।